शादी के बाद परिणीति को स्पॉट किया गया है फैशन वीक में रैंप वॉक पर, जहां पर वो व्हाइट साड़ी में अपने सिंदूर को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं। लेकिन सभी का ये था सवाल कि आखिर राघव जड्डा कहाँ हैं? क्या वाकई राघव और परिणीति के बीच में अभी तक अनबन चल रही है? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। परिणीति चोपड़ा और राघव जड्डा शादी के काफी टाइम बाद भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। परिणीति को इस वक्त हर तरफ से मिल रहा है बहुत फेम, लेकिन सबने जो चीज सबसे ज्यादा नोट की है वो है परिणीति का अकेले घूमना। शादी के कुछ दिनों बाद परिणीति को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, और उसके बाद से वो अपने कामों में बिजी हो गई है। कई फैशन शोज में भी उनको रैंप वॉक करते हुए देखा गया, जिसमे वो अपना सिंदूर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। लेकिन मीडिया वालों ने उनसे एक ही सवाल किया कि राघव जड्डा कहाँ है, और उन्होंने इस बात को हंसकर इग्नोर कर दिया। अब लोग यही कयास लगा रहे हैं कि राघव चड्डा के इलीगली गवर्नमेंट हाउस में रहने पर परिणीति उनसे है नाराज, और खबरों के अनुसार राघव से राजनीति भी छिनने वाली है। इसी वजह से परिणीति और राघव में इन दिनों चल रही है अनबन। परिणीति को इस बात का पता नहीं था कि राघव ने इलीगली इस घर को अपने कब्जे में लिया हुआ है। दोनों इस समय काफी मुश्किल टाइम से गुजर रही हैं, और हम आशा करते हैं कि दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाएं और दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप परिणीति को सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचती रहे।